हेलो पीपल, वेलकम बैक टू बकल अप एंड एक्सप्लोर। नमस्ते। एंड आज एक अनदर फूड व्लॉग है। सो हम जा रहे हैं एब्सोल्यूट बारबेक्यूज जो पवई में है, एंड हम तीनों आज जा रहे हैं। सो लेट्स गो, कैच यू ऑल देयर। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बारबेक्यू पहुंचने वाले हैं। तो मुंबई में ये एक ही आउटलेट है पवई में, एंड अगर आप साकीनाका से आ रहे हैं तो आपको सीधा सीधा आना है टुवर्ड्स पवई लेक, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पड़ेगा। एंड अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आ रहे हैं या पवई के तरफ से आ रहे हैं तो आपको यू टर्न लेके राइट हैंड साइड पे आएगा। वो मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कौन से जगह पे है। एंड वैसे तो ऑनलाइन लिखा है कि पार्किंग फ्री है। सो यहाँ पे मैंने तो ऑनलाइन बुक किया था उनके वेबसाइट पे जाके, एंड टेबल रिजर्व किया था। सो वो दो तीन टाइमिंग बताते, फिलहाल दो ही टाइमिंग चल रहा है, 11:30 AM इन द मॉर्निंग एंड 1:30 PM दोपहर के, बिकॉज 3:30 को ये बंद कर देते हैं बिकॉज कोविड का जो रिस्ट्रिक्शन है 4 बजे तक का उसके लिए। बट मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है। लेट्स गो। तो ये लेफ्ट में है एब्सोल्यूट बारबेक्यू। ओके, तो यहाँ पहुँचने के बाद वैले पार्किंग है, एंड ही विल टेक द कार। तो लेट्स गो इनसाइड। ओके, सो आफ्टर रीचिंग द प्लेस वो आपका टेम्परेचर स्कैन करते हैं, आपका नाम पूछते हैं क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग किए हैं, एंड देन वी कैन गो इनसाइड। सो मैंने उन्हें बताया था पहले ही कि आई नीड टू शूट अ वीडियो, तो उन्होंने सबसे अच्छा लिट एरिया वाला टेबल हमें दिया है, एंड उसके बाद वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रेस्टोरेंट। सो पहले आप बैठ के आपके टेबल पे वो बारबेक्यू पूरा सेटअप करते हैं एंड देन स्टार्टर्स लाके देते हैं। And the table was really nice, good enough, big enough for all of us. And अगर 4 लोग बैठते हैं तो भी अच्छा था। Then this is the barbecue setting, वो ला के वहाँ पर टेबल पर डाल देते हैं एंड देन दे गेट द स्टार्टर्स फॉर यू। सो मैं आपको मेन कोर्स वाला एरिया दिखा देती हूँ। द लेफ्ट हैंड साइड पर वो सूप बोल्स एंड प्लेट्स, चम्मच, जो भी आपको चाहिए वहाँ पर रखे रहते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर और भी कई काउंटर्स थे, जैसे पास्ता काउंटर था, एंड अगर आपको पॉपकॉर्न या आपको खुद कुछ बना के चाहिए जैसे कोई मटन करी या ऐसा, तो वो बना के देंगे। इसके अलावा और थोड़े एक अलग किस्म के डिशेस भी थे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देन द मेन जो वहाँ पे खाना था वो राइस एंड दाल, वेज में भी काफ़ी वेराइटी थी। तो ये सारी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं अभी, ये सब वेज है लाइक यू कैन सी। एंड मतलब एक सेक्शन वेज का था, एक सेक्शन नॉन वेज का। सो वेज में भी काफ़ी वेराइटी है, अगर कोई वेजिटेरियन है यहाँ पे आके आप वेज भी खा सकते हैं एंड बहुत वेराइटी मिलेगी आपको। देन उसके बाद कई तरीके के पापड़, सैलेड एंड दही के जो सैलेड होते हैं, सॉसेज होते हैं, चटनीज होती है, वो सब रखी थी। सो यू कैन ट्राई दैट आउट एज वेल। सो आप जितना भी अगर मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं और आपको फाइबर चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल है। देन उसके बाद जो है शुरू होता है द नेक्स्ट काउंटर, दैट इज़ द नॉन वेज काउंटर।
तो नॉनवेज में भी कई सारे ऑप्शंस थे, ग्रेवीज थे, चिकन था, एंड नॉनवेज में चाइनीज़ भी था, देन उसके अलावा फिश था। एंड लेट मी टेल यू दैट श्रीलंकन फिश, ये जो आपको लास्ट वाली डिश दिख रही है, दैट वाज रियली अमेजिंग। देन उसके बाद जो सेक्शन आता है, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू, कि थोड़े अलग टाइप के डिशेस भी थे। सो पीपल जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं या इंडिया में भी जिन्हें अलग क्विजीन पसंद है, वो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही था योर विश आवर क्रिएशन करके। जो अलग अलग डिशेस थे इनके पास, वो था डक एंड फिर बनी, फिर उसके बाद शार्क, ये सब आप देख सकते हैं। सो ये नूडल्स और राइस में करके आपको दे देते हैं। एंड दिस वॉज माई सिस्टर्स रिएक्शन आफ्टर लुकिंग एट दैट। देन उसके बाद देयर इज अनदर चाट काउंटर। सो पास्ता के बाजू में ये चाट काउंटर है। यू कैन कम योर एंड हैव वट एवर यू वॉन्ट, दे हैव ऑल दी इन्ग्रीडियंट्स, पानी पूरी हो, सेव पूरी हो, एवरीथिंग इन दैट सॉर्ट। सो ऑल्सो वट आई डिड इज मैंने रिकॉर्ड कर लिया सेव पूरी बनाने का ये, एंड दे वर वेयरिंग ग्लव्स पूरा टाइम, और हाथ से नहीं चम्मच से उठा के कर रहे थे। सो दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लीन वे ऑफ डूइंग इट। एंड ये सब टाइम पे हमें थोड़ा केयरफुल रह के क्लीन तरीके से हो वो देखना ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ इट। एंड जो प्लेट्स भी रखे थे स्टार्टिंग में खाने के यहाँ पे, दे वर रियली क्लीन एंड सम ऑफ देम वर हॉट एज वेल। ऐसे लग रहा था वो जो हॉट प्लेट्स ला के रखते हैं जो क्लीन करके, वैसे ला के रखा गया था। सो बट ऑब्वियस वो एसी में रहेगा तो आफ्टर सम टाइम वो ठंडा हो जाता है, बट इट वॉज रियली क्लीन एंड आई लव्ड हाउ ऑल ऑफ इट, ऑल द टाइप ऑफ क्विजीन्स वर अंडर वन रूफ। एंड फॉर द प्राइज, मैं आपको लास्ट में बिल दिखाती हूँ, 3 लोग का हर एक टाइप का क्विजीन ट्राई करने में, एंड एवरीथिंग वॉज रियली नाइस। देन दे स्टार्ट विथ स्टार्टर्स। तो जो यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे पनीर हो, अगर आप नॉनवेज लेते तो भी आपको पनीर और क्रिस्पी कॉर्न वो सब ला के देते हैं वो। उसके अलावा दे गेट यू वन चिकन ड्रम स्टिक एंड मटन सीख कबाब, प्लस प्रॉन्स एंड फिश एंड चिकन टिक्का। तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। फिर जितने लोग हैं उतने कॉम्प्लीमेंट्री आपको ड्रिंक मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग। सो जो प्रॉन्स था, दैट वॉज रियली सॉफ्ट, बाहर से ऐसा देख के लग नहीं रहा था, बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था एंड बहुत ही ज़्यादा यमिंग था। देन द ग्रीन थिंग जो आप मेरे प्लेट में देख सकते हैं, दैट्स द फिश। आपने देखा ही होगा कि कितनी सॉफ्टली वो कट गई है और मुंह में जाते ही घुल जा रही थी। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बासा फिश होगी। एंड देन द नेक्स्ट थिंग वॉज मटन सीख कबाब। नाउ लिटरली मटन सीख कबाब भी मुंह में जाते ही घुल जा रहा था। यम्मी टेस्ट। देन कम्स जो मेन कोर्स है उसकी बारी। सो मैंने चिकन फ्राइड राइस एंड चिकन चिली लिया था, एंड ऑल्सो जीरा राइस एंड जो फिश का मैंने बताया था आपको, श्रीलंकन फिश करी, वो लिया था, प्लस पानी पूरी एंड सेव पूरी ट्राई करने के लिए। सो कम, आई विल शो यू ऑल सब कैसा टेस्ट था। सो द पानी पूरी वॉज रियली नाइस। आई मीन वो वैसा जो ठेले पे मिलती है वैसे तो नहीं थी, बट इट वॉज रियली नाइस। ऑल्सो द सेव पूरी अ लिटिल डिफरेंट, बट यस अगेन वेरी नाइस। सो मैं ये सब ट्राई कर रही थी तो मेरी बहन को भी ट्राई करना था, प्लीज सी हर रिएक्शन। दैट्स वॉट शी डिड। फिर उसके बाद दिस इज द राइस एंड फिश करी। लाइक आई एम टेलिंग यू, इट वॉज रियली वेरी सॉफ्ट एंड यम्मी। मतलब बिल्कुल भी मुंह में जाते ही वो फिश घुल जा रही थी। सो आई अगेन थिंक इट वॉज बासा फिश। एंड देन दिस इज द चाइनीज। चाइनीज ऑल्सो ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट प्लस वेरी नाइस। सो यस, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। देन कम्स सबका फेवरेट काउंटर, द डिजर्ट सेक्शन। सो इनके पास पहले से जो केक्स और पेस्ट्रीज थे वो तो थे ही, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा वो आपको आइसक्रीम का लाइव काउंटर भी था, एंड उन्होंने वहाँ पे ऐसे बताए थे कि आपको क्या चाहिए आप वो बोल सकते हैं। सो हमने कुकी मास्टर लिया था, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एंड माई सिस्टर्स वर लाफिंग बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था कितना कितना क्या क्या लेना है। सो जस्ट लुक एट हाउ मच शी इज़ फिलिंग अप इन हर प्लेट। अभी तक 4 आ चुके हैं। एंड उसके अलावा शिव सिंह की और क्या लू। देन दिस इज़ द जलेबी सेक्शन। इन्होंने अभी बना के रखा है, बट यूजुअली वो लाइव वहाँ पे बना के गर्मा गर्म देते हैं। कुछ अलग मिठाइयाँ थी। एंड दिस नट ब्राउनी वॉज रियली नाइस। एंड दिस वॉज द लाइव आइसक्रीम दैट आई वॉज टेलिंग यू ऑल।
वेरी अमेजिंग टेस्ट, ये कुकी मॉन्स्टर था एंड इसका जो टेस्ट था वो कुकी का, चॉको चिप्स का, चॉकलेट सॉस का, वैनिला आइसक्रीम का, यम्मी, अमेजिंग। सो लाइक आई टोल्ड यू ऑल, मैं आपको बिल दिखाऊंगी। सो 2044 में 3 लोग खा लिए विद GST, दैट्स मंडे ट्यूसडे का स्कीम, 649 रुपीज फॉर नॉन वेज। प्लीज ट्राई इट। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड हमें बताना जरूर आप अगर कभी विजिट करेंगे तो कमेंट करके बताना, या अगर आपने कभी विजिट किया तो आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। ऑल्सो देर आर सम वियर्ड डिशेज, तो अगर आप वैसे डिशेज खाते हैं सो डेफिनेटली डू ट्राई दैट आउट। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पे जाके सारे हमारे हैंडल्स चेक कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई रहेंगी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।